उसका रंग रूप नैन नक्श मेरे दिमाग में कभी कभी चक्कर लगा जाते। एक धुंधली सी याद जो कभी कभी चमक उठे और बस फिर तीसरे दिन उसने मुझे सलाम किया। मैं घबरा गई, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। वो तेजी से चलता हुआ मेरे पास से निकल गया। उसके बाद मैंने महसूस किया कि मैंने सख्त पत्थमी सीखी। इसी वजह से हिंदुस्तानी हमसे नफरत करते हैं। लेकिन सच, मुझे कभी ये वहमो गुमान भी ना होता था कि मैं इस तरह यूरोप में इश्क के जाल में फंस जाऊंगा। और अब तो आलम यह है कि तुम ही तुम मुझे चारों तरफ नजर आती हो। नहीं, ये गलत है। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आता। तुमने अपनी जिंदगी के मकसद चुन लिए हैं और तुम्हें वो मकसद मुझसे ज्यादा अजीज है। शीला, क्या इस मसले पर हमारी राय कभी एक न होगी? तुम बार बार मुझसे ये क्यों कहलवाना चाहती हो कि इंसानी जिंदगी के दायरे सिर्फ इश्क और मोहब्बत तक महदूद नहीं? क्या इसके अलावा और भी बहुत से मसाइल, बहुत से दिलचस्प और गैर दिलचस्प चीजें नहीं जिनसे हम वाबस्ता हैं? और इन सारी चीजों को छोड़कर महज खला में रहकर तुम इश्क नहीं कर सकते? जिस तरह जिंदगी के लिए हवा जरूरी है, मेरी समझ में तुम्हारी और मेरी मोहब्बत का दारोमदार कम से कम मेरे लिए उन तमाम मकासिद को हासिल करने की कोशिश पर है जिन्हें तुम समझती हो कि मैं तुमसे भी ज्यादा अजीज रखता हूं। सुनो शीला, मेरी जान, तुम में और उन मकासिद में किसी भी तरह का कोई झगड़ा या कोई टकराव नहीं। तुम्हारी मोहब्बत तो मुझे और भी दिलेर बना रही है। जिंदगी यूं तो मेरे लिए पहले भी मुश्किल थी, मगर तुम्हारा साथ होने पर यह तो शुआर रास्ता आसानी से कट जाएगा। मैं आज तुमसे सिर्फ एक वादा कर सकता हूं, और वो ये कि जहां तक मेरा बस है, मैं इस रास्ते पर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? मैं तुम्हारे साथ हर तरफ हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। कोई भी रास्ता हो, कैसी भी राह हो, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं बेधड़क आगे बढ़ती जाऊंगी, जैसे इस वक्त। से बातें करो, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ। किस चीज के बारे में बातें करूँ, बोलो। जो तुम्हारा चीजा है। अच्छा, अपने मुल्क हिंदुस्तान के बारे में बातें करो। मैं तुमसे उस मुल्क के बारे में क्या कहूँ? हमारे यहाँ दुनिया की हर अच्छाई और हर बुराई अपने इंतहा तक पहुँच गई। मैंने गलत कहा, हिंदुस्तान में दुनिया की हर अच्छाई अपनी हदों तक पहुंचाई जा सकती है, मगर बुराई वो तो अभी से अपनी सारी हदें पार कर चुकी है। तुमने अक्सर बाज लोगों से कहते हुए सुना होगा कि हिंदुस्तान में रूहानियत का बड़ा जोर है। रूहानियत बिल्कुल झूठ।
रूहानियत के दो मायने होते हैं, दीनदारी, खुदा परस्ती, आखिरत की बातों को दुनियावी चीजों पर तरजीह देना। दूसरे माने रूहानियत के क्या होते हैं? और दूसरे माने रूहानियत के ये हो सकते हैं कि इसी दुनियावी जिंदगी में लालच, हवस, दूसरों पर जबर जुल्म करने की ताकत, जहालत, बदअकली और बददियानती को खत्म करना, और जिंदगी के सोए हुए नगमों को जगाना जिनके सुनने के लिए हमें एक बड़ा दिल, एक बेदार दिमाग और एक तंदुरुस्त जिस्म चाहिए। लेकिन अफसोस, रूहानियत की ये दोनों ही कस्में हमारे यहाँ बिल्कुल नदारद है। आप तो पहनते थे, आज रूहानियत का क्यों आप फिर दौरे हैं? हाँ, मैं मटेरियलिस्ट हूँ, और वो इसलिए कि इंसान की जहनी और रूहानी तरक्की को मुमकिन मदद दूँ। आज जो लोग रूहानियत का नाम लेते हैं उनका इससे दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं। आखिर रूहानियत है क्या? मजहब में डूबा हुआ दिमाग? तुमने अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा कि हमारे हिंदू, मुसलमान और सिख आपस में लड़ते रहते हैं, तो क्या इसके ये मायने हुए कि उनमें रूहानियत या मजहबियत भरी हुई? बिल्कुल नहीं। चंद मजहबी लीडर जो भूल कर भी खुदा को याद नहीं, गवर्नमेंट में रुतबा पाने के लिए जिनमें उनका सिर्फ जाती फायदा होता है, जरा जरा सी बात पर बेकसूर गरीब लोगों को मजहब का नाम लेकर लड़ा देते हैं, उनका रूहानियत और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। रह गई दूसरे किस्म की रूहानियत, तो जो कौम गुलाम हो, जहां 80% से ज्यादा इंसानों को खाना न मिलता हो, जहां दर्द, वबा, बीमारी इस कदर फैली हुई हो कि तंदुरुस्त इंसान मुश्किल से नजर आते हो, जहां इल्म गिनती के लोगों तक महदूद हो, जहां बच्चे तक कुमलाए हुए फूलों की तरह नजर आते हो, अक्सर लोगों के चेहरों पर भूख, फाका, गुर्बत, मुसीबत लिखी हुई हो, और वहीं बाकियों के चेहरों से सुस्ती, हिमाकत, जहालत और एक भयानक किस्म की खुशहाली नजर आती हो, वहां जिंदगी के इन रंगीन तोहफों की तलाश करना दरअसल हिमाकत है।
डार्लिंग शीला, मेरी जान। मुझे याद है इन्हीं ख्यालात का इजहार मैंने एक खत में की हमारी मोहब्बत का अंजाम। सुनो शीला मेरी जान, आज दिन के वक्त जब मैं तुमसे अपने वतन की बातें कर रहा था तो मैंने तुमसे वहां के सिर्फ तल्ख हकीकतों का जिक्र किया था। तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है, वहां बहुत सी अच्छी चीजें भी है। शाम के वक्त जब बरसात में सूरज डूबता है और आसमान पर आग लग जाती है और जब जब चांदनी निकलती है, हमारे मुल्क के हरे भरे खेतों और सरसब्ज मैदानों के बीच से गुजरते हुए दरिया पिघली हुई चांदी की एक थर्राती हुई चमकीली लकीर बन जाते हैं और उस मुल्क के करोड़ों मेहनत करने वाले इंसान जो खुद को गरीबी और गुलामी की जंजीरों से तोड़ना चाहते हैं, ये सब बेशबा है। और इस तस्वीर में जिसकी खूबसूरती में इतना सोज उदास भरा हुआ है, मैं भी किसी तरह खप जाना चाहता हूं। इस बात की ख्वाहिश, इसकी कोशिश, यही मेरे लिए हयात है, यही जिंदा रहना। दूसरे रास्ते हमें रूहानी मौत के खुश्क रेगिस्तान की तरफ ले जाकर छोड़ देते हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं, मगर हम इस तरह से साथ साथ चलेंगे जो सहल नहीं लेकिन उन तमाम लताफतों से लबरेज है जो जिंदगी की जद्दोजहद का इनाम है मेरी जान। और हमारे इश्क भी इन लताफतों का नमूना होना चाहिए। और अगर ऐसा ना होगा तो वो चिराग की तरह होगा जो दिल खत्म हो जाने पर गुल हो जाता है और जिस पर रात गालिब हो जाता है। लेकिन हम इस चिराग को गुल न होने देंगे। फिर से मैंने की फिर है मत हमें एक दूसरे के पहलू से जुदा कर दिया, तब फिर हम क्या करेंगे? शीला मुझे डराओ मत, मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं सिवाय कोशिश और उम्मीद के। मेरी जान शीला मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता सिवाय इसके कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। और शीला मेरी जान, मैं भी तुमसे बहुत बहुत मोहब्बत।